दोस्तों, सुबह सवेरे की हमारी आज की बैठक में इस वक्त मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बॉलीवुड को हर नजर से देखा है। नन्ही अदाकारा के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली हनी ईरानी आज एक सफल फिल्म लेखिका हैं। तो आइए आज बातचीत करते हैं हनी ईरानी से। आपका सुबह सवेरे में स्वागत है। स्वागत है हनी। सबसे पहले तो बातचीत शुरू करते हैं नई फिल्म, आपकी लिखी हुई नई फिल्म क्या कहना के बारे में। क्या कहना है आपको उस फिल्म के बारे में? क्या कह सकती हूँ, I would like you to see it, and it's a very bold film. Bold? Yes, it is. Mm. It's a family-oriented film. It's a love story. It's about relationships. You have to see it. आप कहती हैं फिल्म बोल्ड है, आप ये भी कहती हैं इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, तो दोनों में आप कैसे तालमेल बिठा रही हैं? इसलिए तो चाहती हूँ कि आप जाके देखें। अच्छा, तो आपने फिल्म लिखी है आप? जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म की कहानी क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे क्या कहानी? मतलब एक लड़की के बारे में है। इट्स बेसिकली अबाउट यंगस्टर्स। जी। जिंदगी में लोग कभी गलती कर जाते हैं एंड व्हाट हैपेंस विद दैट, उसके बारे में है। फैमिली के बारे में है कि फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, क्या फैमिली को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट लव अफेयर, के लव अफेयर में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इंट्रिगिंग। पर इस तरीके का कुछ तो कुंदन झा की पिछली फिल्म में भी था, कभी हाँ कभी ना में भी था, कुछ कुछ होता रहता है फिल्म में, प्रेम कहानी भी चलती रहती है। ये फिल्म उससे कहानी में कुछ ना कुछ तो होता रहना चाहिए ना, मतलब कहानी आगे कैसे चलेगी। ये फिल्म उससे किस तरह अलग है आप देख के बताइएगा। आप कुछ नहीं बता रहे हैं हमें। जी। अच्छा, आप एक बहुत सक्सेसफुल लेखिका हैं, इतनी अच्छी फिल्में आपने लिखी हैं, तो जब आप फिल्म लिखती हैं तो क्या होता है? आइडिया होता है जो जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करती हैं और फिर उसको आपको लिखना ही लिखना होता है, या प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है, किस ढंग से? ज्यादातर आइडिया ही होता है, और अगर मुझे लगता है कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस पर अच्छी कहानी बन सकती है, देन वंस इट्स डाउन एंड डेवलप्स इट, फिर उसका स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। नहीं तो किस तरीके से कॉन्टेक्ट कौन करता है? क्योंकि हमारे पास होता क्या, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी आती हैं, बहुत सारे हमारे लाखों करोड़ों दर्शक हैं जो फिल्में लिखना चाहते हैं और हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट भेजते भी रहते हैं कि हमने कहानी लिखी है जी। तो ये अप्रोच कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम है फिल्म राइटर का, थोड़ा सा बताएंगे? फिल्म राइटर का सिस्टम जो है वो ऐसा है कि मेरे साथ जो होता है वो आमतौर पर ये होता है कि पीपल अप्रोच मी जी, कि आपके पास कोई सब्जेक्ट है जी। कभी होता है कि हमको दो हीरो का सब्जेक्ट चाहिए या हमें हीरोइन का सब्जेक्ट चाहिए, यू नो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। तो अगर मेरे पास उस वक्त कोई इस तरह का आइडिया हो या कोई सब्जेक्ट हो तो मैं उनको सुनाती हूँ, अगर वो उनको पसंद आता है एंड देन वन प्रोसीड्स फ्रॉम देयर कि यू स्टार्ट राइटिंग द एंटायर स्क्रिप्ट। और किस तरह की फिल्में आप लिखना पसंद करती हैं? मतलब पर्सनली मुझे रोमांटिक फिल्में और इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। लम्हे आपने लिखी थी आईना जी, या जैसे अभी ये है क्या कहना, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह रही हैं। ये कह सकती हूँ कि इट्स माय फेवरेट फिल्म। इज इट? वेरी वेरी ब्यूटीफुली मेड जी, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, वेरी वेल एक्टेड, आई मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट इन द फिल्म एंड आई थिंक। हनी एक बात बताइए, आपने अपना करियर शुरू किया था एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, नन्ही सी अदाकारा जो पर्दे पर आती हैं तो लोग मुस्कुरा उठते थे जी, और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी आप उसमें। फिर आप लेखिका कैसे बन गई, क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने शादी कर ली जी। उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया जी। उसके बाद आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा। तो आई वाज असिस्टिंग मिस्टर रमेश तलवार फॉर अबाउट 7 इयर्स, देन आई वांटेड टू मेक माय फर्स्ट फिल्म, नोबडी टुक मी सीरियसली, सो आई थॉट आई शुड राइट माय ओन स्क्रिप्ट, गेट द फाइनेंस फ्रॉम NFDC, एंड आई वेंट टू NFDC विद माय स्क्रिप्ट एंड दे रिजेक्टेड द स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट पे बाद में आईना जी, या चोपड़ा साहब, फिर उन्होंने सुनी, उनको पसंद आई और फिर वहां बनी। तो इस तरह से मैं राइटिंग में चली गई। और फिर आपने लम्हे लिखी, पर क्या लगता है कि लम्हे आपने कुछ वक्त से पहले लिख दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वक्त से पहले कुछ नहीं होता, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की, वो नहीं चली। नहीं, लेकिन वीडियो सर्किट पे पीपल से दैट वक्त से बहुत पहले आ गई और ये आ गई, मतलब पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट। पर क्या कहना से आपको क्या उम्मीद है कि लोग इसे स्वीकार करेंगे? जी हां, बिल्कुल करेंगे। क्यों? बिकॉज वो इस तरह की कहानी है जो ऐसा लगता है कि आम आदमी की लाइफ में, आपकी लाइफ में हो सकता है, मेरी लाइफ में हो सकता है, मतलब हर आदमी रिलेट कर सकता है अपने आप को, हर परिवार उसमें अपने आप को देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हनी जी, आप सुबह सवेरे हमारी बैठक में आई। थैंक यू। फिल्म क्या कहना के बारे में अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हनी। थैंक यू।